इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप सैमसंग मोबाइल फ़ोन में किसी भी ऐप का बैकग्राउंड डेटा बंद कैसे कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। तो देखिए, जिस भी ऐप का बैकग्राउंड डेटा बंद करना है उस ऐप पर दोस्तों आपको जो है फिंगर से लॉन्ग प्रेस करना है। जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ऐप इन्फो का, या अगर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर आपको यहाँ आई बटन का आइकन मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलता है तो आप ऐप इन्फो पर क्लिक करिए, और नहीं मिलता है तो आप यहाँ आई वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपको यहाँ पर नीचे आना है, तो नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल डेटा का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मोबाइल डेटा में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजेज का। तो देखिए, अगर आपको बैकग्राउंड डेटा बंद करना है तो आप यहाँ ये वाला सेटिंग यहाँ पर क्लिक करके बंद कर देंगे। अब बंद कर देने से क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, अगर आपका ये ऐप आपके बैकग्राउंड में चलता रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं बहुत से ऐप आपके बैकग्राउंड में चलता रहता है तो आप जिस ऐप का बैकग्राउंड डेटा बंद कर देते हैं तो वो ऐप जो है बैकग्राउंड में आपके डेटा को यूज नहीं कर पाएगा। यानी कि दोस्तों, वो जो है बैकग्राउंड में आपके डेटा को खपत नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप जो है सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में किसी भी ऐप का बैकग्राउंड डेटा बंद कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।